बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब बल्ला खामोश हो जाता है या परफॉर्मेंस का स्तर गिर जाता है तो इंसान के अंदर का गुस्सा जो है वो चीर फाड़ कर बाहर निकल आता है। इसके चलते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मुकाबले को बहुत आसानी से, बहुत इजीली 5 विकेट से अपने नाम पर कर लिया और बहुत एक वन साइडेड सा मैच, जैसे मैं प्रियांशु कहूंगा, ऐसा कोई काम नहीं किया अभी तक रांची किंग्स के लिए शान मसूद जिससे टीम को फायदा हो। शान मसूद को अगर बाहर बिठा देंगे ना तो भी कराची किंग्स का ऐसा ही रिजल्ट आएगा। शान मसूद कराची किंग्स के कप्तान बनाए गए हैं लेकिन कप्तान के नाम पर वो एक ढेला काम नहीं कर पा रहे हैं और कराची भी सिर्फ नाम ही किंग नजर आ रही है। कराची किंग्स के लिए कहीं ना कहीं जो हम बोल रहे थे कि टूर्नामेंट में जान बाकी है, इनका टूर्नामेंट बाय द वे आधा या फिर कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे हिसाब से जो थी वो थी शान मसूद और शादाब खान की लड़ाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप हाइलाइट्स में देख लिया, चंद सेकंड के बाद मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज मैच खेला गया कराची और इस्लामाबाद के दरमियान। कराची ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए हैं और 151 रन का टारगेट दिया है, उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। दोस्तों आज कैरन पोलार्ड ने अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए हैं जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे और किसी खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग नहीं की है। शान मसूद आज फिर फ्लॉप हो गए हैं और शुएब मलिक भी आज फ्लॉप रहे। शुएब मलिक ने 6 गेंदों पर 1 रन बनाया है और शान मसूद भी आज फेल साबित हुए हैं, उन्होंने 10 रन बनाए हैं 12 गेंदों पर। फहीम अशरफ ने आज अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया है। और तामिल मिल्स ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया है। दोस्तों ये मैच इस्लामाबाद ने जीत लिया है 5 विकेट से। इस्लामाबाद की जानब से शदाब खान और सलमान अली आगा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। इस्लामाबाद ने ये मैच 19 ओवर में जीत लिया है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब बल्ला खामोश हो जाता है या परफॉर्मेंस का स्तर गिर जाता है तो इंसान के अंदर का गुस्सा जो है वो चीर फाड़ कर बाहर निकल आता है। पाकिस्तान में चल रही पीएसएल में भी यही देखने को मिल रहा है। शान मसूद कराची किंग्स के कप्तान बनाए गए हैं लेकिन कप्तान के नाम पर वो एक ढेला काम नहीं कर पा रहे हैं और कराची भी सिर्फ नाम की किंग नजर आ रही है। कराची का इस्लामाबाद से मुकाबला था, वैसे तो इस्लामाबाद की हालत ज्यादा टाइट थी क्योंकि 8 मैच में 3 जीत के साथ वो लटके हुए थे कि बाहर जाएंगे, लेकिन पीएसएल में क्योंकि 6 ही टीम है और एक मैच जीतते ही आपकी औकात जो है 60 से बढ़ जाती है, तो इस्लामाबाद ने इस जीत के साथ अपने आप को नंबर 2 पर काबिज कर लिया। लेकिन मैच जो था वो एक तरफा मैच था। इस्लामाबाद ने 5 विकेट से जीत लिया लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे हिसाब से जो थी वो थी शान मसूद और शादाब खान की लड़ाई। मतलब डीआरएस को लेकर लड़ाई थी, टाइम पहले कर दिया नहीं किया, लेकिन उसके बाद शान मसूद ने जिस तरह से जाकर गुस्सा दिखाया और ये जो उनका एग्रेशन था, लोगों ने कहा भाई शान मसूद को क्या हो गया, मतलब ये तो पाकिस्तान की उन रेयर लोगों में है जिन्हें एक्सट्रीमली डिसेंट क्लासी अंग्रेजी बोलने वाले लोग जानते थे कि हाँ बहुत। जैसे शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है वो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली है क्योंकि एक बैट्समैन के तौर पर वो ये बता रहे हैं कि वो टेस्ट टीम में कप्तान है और उन्हें टेस्ट में ही रहना चाहिए, टी20 नहीं खेलना चाहिए। हर मैच में या तो उनका स्ट्राइक रेट 100 के नीचे रहता है और जिस दिन वो गलती से 25-30 रन बना देते हैं उस दिन वो इतनी गेंद खाते हैं कि कराची आधा मैच वैसे ही हार जाती है। फहीम अशरफ ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 16 रन 2 विकेट और जब वो बल्लेबाजी करने आए तो आखिर में वो भी साथ निभाया और वो कमाल था। लेकिन शान मसूद शुरू में संघर्ष किए, उसके बाद थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई, लगा कि शायद हो जाए कुछ सैफर्ट और विंस के बीच में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरना, शुएब मलिक का ना चलना, इमाद वसीम आए और विकेट निकाल दिया। शुएब मलिक ने 6 बॉल पर 1 रन बनाए, जैसे तैसे टीम का स्कोर जो है वो पोलार्ड ने 150 पहुंचा, लेकिन जो मीर हमजा ने किया वो बाकी लोग साथ नहीं दे पाए और यही वजह है कि एक अच्छी पार्टनरशिप आगा सलमान और शादाब खान के बीच में हुई और दोनों ने ठीक ठाक रन बनाए, 33-34 रन बनाए। हैदर अली ने आखिर मैच खत्म कर दिया, बढ़िया शॉट लगाए और 16 पे 26 बनाकर इस मैच को 18 ओवर 4 गेंद में खत्म कर दिया। जी जो आपको कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, आज की बहुत आसानी से जीत जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को मिल जाएगी और बिल्कुल हूबहू प्रियांशु नवानी जी वैसा ही हुआ है, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19वें ओवर के मुकम्मल होने से पहले ही इस रन चेज को पूरा कर लिया, 151 रन इन्होंने यहां पर बना दिए। हालांकि ये 151 रन बनाने में भी प्रियांशु नवानी उनको अपनी 5 विकेटें खोनी पड़ी, लेकिन एट द एंड हैदर अली, जिसकी मैंने आपको प्रीव्यू शो में बात कही थी कि आज अगर आप हैदर अली को लेकर आए हैं तो हाँ आपके लिए विद द बैट वो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए
जाती है इन प्लेस ऑफ जॉर्डन कॉक्स, जिनकी जगह पर आज आप हैदर अली को कहीं ना कहीं खिला रहे हैं, तो वो चीजें आपके लिए बेहतर रही और हैदर अली ने ही चीजों को फिनिश ऑफ किया आपके लिए 16 गेंदों में 26 रन बनाकर, जिसके चलते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मुकाबले को बहुत आसानी से बहुत इजिली 5 विकेट से अपने नाम पर कर लिया और बहुत एक वन साइडेड सा मैच जैसे मैं प्रियांशु कहूंगा, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 151 रन ऑन द बोर्ड लगा दी और 150 कराची किंग्स ने पहले वहां बनाए थे। और कराची किंग्स के बॉलर्स की भी अगर बात करें, किसी ने कुछ बेहतर तो आपको परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया है, हाँ किसी ने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया। और काम कि आपका ये एक तरफा मुकाबला ही होने वाला है, आपको यह ज्यादा एक फाइट देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि रन ही नहीं बनाए थे ना वहां पे, आपने कुछ रन ही नहीं दिए कराची किंग्स ने, तो वहां पे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी बहुत इजी विन होनी चाहिए। और बाय द वे आपके लिए देखो कराची किंग्स के लिए कहीं ना कहीं जो हम बोल रहे थे कि टूर्नामेंट में जान बाकी है, टूर्नामेंट में जान बाकी है, इनका टूर्नामेंट बाय द वे आधा या फिर कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। अभी जो प्लेऑफ की इनकी उम्मीदें थी कहीं ना कहीं ये सार के साथ थोड़ी चकनाचूर हो चुकी है, थोड़ी मुश्किल हो चुकी है। लेकिन वही इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए देखो कल जो ये मैच हारे थे कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं हिल गया था, जहां पे लाहौर कलंदर्स ने इन्हें बड़ी इजीली हरा दिया था, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। और पहली बात कराची किंग्स, जिन लोग सोच रहे थे कि भाई कराची किंग्स जो है वो एक मैच जीत गई ग्लैडिएटर्स को हरा दिया तो बहुत ज्यादा कमबैक कर सकती है, उन लोगों को एटलीस्ट जवाब मिल गया कि भाई ये टीम कमबैक नहीं कर सकती है। शान मसूद खुद का साथ नहीं दे पा रहे और उसका फ्रस्ट्रेशन जो है उनके चेहरे पे साफ तौर पे झलकता भी है, साफ तौर पे झलकता है। इस साल उनको कप्तानी दी गई कराची किंग्स की और टेस्ट का तो मिल ही गया कप्तानी उनको बाबर के आजम के जाने के बाद, ना उनसे कप्तानी हो रही है ना उनसे रन्स बन रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन अगर कप्तान है उस पर चढ़ने बोलो तो तुरंत चढ़ने लगेगा, वो तो रन्स उनसे बन नहीं रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा कोई काम नहीं किया है अभी तक कराची किंग्स के लिए शान मसूद जिससे टीम को फायदा हो। शान मसूद को अगर बाहर बिठा देंगे ना तो भी कराची किंग्स का ऐसा ही रिजल्ट आएगा, रियलिटी मैं बता रहा हूं, जीरो योगदान है। और मुझे ऐसा लगता है कि कराची किंग्स 11 नहीं 10 खिलाड़ी के साथ खेल रहा है। शान मसूद तो अपोजिशन के लिए खेल रहा होता है, बस यही है कि टॉस के वक्त अच्छी अंग्रेजी बोल जाए तो ज्यादा बेहतर है भाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।